अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। हाँ तो जनाब, यह है सुबह सुबह का टाइम और मैं कर रही हूँ नाश्ता। बहुत दिन से डाला नहीं मैंने व्लॉग। क्यों नहीं डाला? क्योंकि घर में काफ़ी मसरूफियत चल रही थी और सच्ची बताऊँ बहुत जो है ना मुझे बीमारी के बाद इतनी कोई वीकनेस और इतनी समझें कि काम इतने पेंडिंग हो गए थे और इतनी कोई एग्जर्शन थी ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। फिर बस भाग दौड़ करके जल्दी सारे काम किए, फिर बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर मुझे ये था कि मैं जो है ना अपनी काफ़ी जो है ना काम जो है ना वो निपटा लूँ। खैर तो मुझे जो है ना जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेरी किचन में लाइट बहुत हल्की थी तो मैं रिंग लाइट लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो उसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेती हूँ, आपके साथ दिखा देती हूँ कि मैं जो है ना क्या लेकर आई थी और इसके साथ और भी क्या क्या शॉपिंग की है मैंने। मैं गई थी मोबाइल मॉल और ये चार्जर, कार चार्जर और ये ट्राईपॉड पे लगाने का स्टैंड और रिंग लाइट जिसको मैं खोलती हूँ आपको दिखाती हूँ। यकीन करें मेरे पास स्टैंड मौजूद था और मेरे पास रिंग नहीं था, उसके ऊपर रिंग लाइट नहीं थी, तो मैंने रिंग लाइट ले ली है, मुझे मिली है 800 रुपये की। ट्राईपॉड मौजूद था तो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने ले ली है। और जो है अब उम्मीद है कि जो है ना मेरी वीडियोस में जो है ना लाइट आ जाया करेगी। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने रिंग लाइट ले ली ना तो उस वक्त मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो है ना ओवन के ऊपर ना लाइट जलती है। मैं आपको दिखाऊंगी किसी व्लॉग में। मैंने कहा ले भैया ये मैंने क्या किया। खैर चले कोई बात नहीं, रिंग लाइट तो वैसे भी बड़ी जगह काम आती है कि हम जो है ना बहुत सारी जगहों पर बैठ के वीडियोज़ बना रहे होते हैं तो उसमें लाइट जो है ना हमें काम आ जाती है। समटाइम कपड़े दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं। खैर देखें, ये ट्राईपॉड मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ नहीं अटैच कैसे होता है। अगर किसी को लेना होगा तो उसको भी काम आ जाएगी, आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा, और नहीं होता तो भी खैर है यार। खैर ये देखें, ये इसके अंदर ही लगा हुआ है। अच्छा उसने मुझे ये बोल के दिया शॉपकीपर ने कि ये जो है ना चार्जेबल है, आप इसको चार्ज करें और चार्ज करने के बाद आप आराम से यूज़ करें तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा मुझे लगा अच्छा वाकई यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तार कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं खुश हो गई, फिर मैंने इसको लगा दिया चार्जिंग पे। अच्छा मुझे एक दो घंटे की चार्जिंग के बाद ना मैंने इसको जब कनेक्ट किया तो ये ऑन ही ना हो। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, कुछ गड़बड़ है। फिर जो है ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये भाई साहब ने ना टोपी कराई है मुझे। हम लोग यही बोलते हैं ना टोपी कराई है, तो बेसिकली उसने टोपी कराई है और टोपी जो है ना मुझे बड़ी ज़बरदस्त उसने पहना दी है। और मुझे पता लगे कि ये जो है ना ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें, इसका सीन ये है कि आपने इसको डायरेक्ट कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके ही इसको स्टार्ट करना होता है, और मतलब फिर ये चलेगी ना, वरना ये चलेगी नहीं। खैर जनाब, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर उनको मैं करती हूँ वेलकम, और जो लोग जो हैं मेरे चैनल पे हैं पुराने हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे साथ बंधे हुए हैं। और जो है इसी तरह बंधे रहिए, व्लॉग्स को पसंद करते रहिए। और आ गए हैं हम रिंग लाइट पे, और अब जो है ना मुझसे हो नहीं रहा था तो मैंने अपनी बेटी को बोला बेटा कैमरा पकड़ लेना ज़रा मैं ताकि बता दूँ कि फ़िक्स कैसे होना है। तो ये जो है देख सकते हैं आप लोग कि इस तरीके से हमने वो लगा दिया था, अटैच कर दिया था, वो जो वन सा था एक अटैचमेंट, उसके बाद उसको हमने एक रिंग इसके अंदर डाला, उसके ऊपर ये डाल दिया। बहुत सिंपल तरीका है, अब तो आजकल तो हर किसी ने ले लिए भाई, हर किसी के पास है। कोई वीडियोस नहीं बनाता तो उसके पास भी है, जस्ट फॉर फन, जस्ट एवी ना कि चलो इससे पिक्चर्स अच्छी आएंगी, तो बहुत लोगों ने ली है ना। मैंने काफ़ी लोगों के पास देखी है, लोग इंस्टा भी बड़े शौक़ से यूज़ करते हैं और इंस्टा की वीडियोज़ के लिए भी लेते हैं, टिकटॉक यूज़ बनाते हैं। तो मतलब यार सीरियसली ना एक समझ लें कि हर शख्स की ये हॉबी बन चुकी है। और अगर आप कहीं जाओ ना, किसी के घर में जाओ या किसी किसी भी गैदरिंग में जाओ, कहीं भी लोगों के साथ बैठो ना, वहाँ बात करते हो ना, तो उसमें से यकीन करें 10 में से 9 लोगों का ना यूट्यूब चैनल होता है या टिकटॉक का अकाउंट होता है या कुछ ना कुछ तो वो कर ही रहे होते हैं। मतलब सीरियसली इतना कोई जो है ना शौक़ हो गया है यहाँ पे बच्चों को भी बड़ों को भी, और वो हर बच्चे का यूट्यूब चैनल है, सब ने जो है ना यूट्यूब चैनल्स खोल लिए हैं। खैर अच्छी बात है, एक एक्टिविटी है, आप इसमें बिज़ी रहते हो, और अगर उस बिज़ीनेस यू नो इट्स अ न्यू वर्ड बिज़ीनेस, अगर आप बिज़ी रहते हो और इसके साथ आपने जो है ना कुछ अगर आप अर्निंग भी कर लेते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही समझती हूँ यार, छोटी एज से बच्चों को भी अकल होनी चाहिए, समझना चाहिए कि बस हमें मेहनत करनी है ज़िंदगी में, टाइम वेस्ट जो है ना बिल्कुल नहीं करना है। खैर देखें, ये इसके बटन्स हैं साथ में जो है ना, और ये लाइट इसकी डिम होती है, हल्की होती है, ब्राइटर हो जाती है और फिर ऑन एंड ऑफ़ है। तो और इसको फिर कनेक्ट करेंगे, मुझे लगा था ये चार्ज होगी तो मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खैर जनाब, ये हमारे छोटे छोटे से पेट्स हैं, मैं दिखा दूँ, हमारा घर आजकल बना हुआ है ज़ू, ज़ू के हालात में आपको दिखा दूँ। ये चिड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी,
इतनी क्यूट चिड़िया हैं और हमारी बिल्ली जो है ना ये बैठ के इनको ऐसे देखती रहती है ना, इसका बस नहीं चलता कि इनको खा जाए और हमें जो है ना इसको पकड़ना पड़ता है क्योंकि छलांगे मारती है इसके ऊपर। ये हुआ ये कि हमारे जो बेसिकली नेबर हैं वो गए हुए थे वेकेशंस पे, तो उन्होंने कहा कि हमारी चिड़ियाँ जो है आप रख लें और इनका ख्याल रखिएगा। अब देखें आप सीन ये कि हमारे घर में चिड़िया आ गई हैं और हमारे घर में है बिल्ली, अब बिल्ली और चिड़िया का जोड़ देखें अब आप क्या हो रहा है। तो हम लोग को यकीन करें, एक जो है ना, मैं असल बात बताऊँ, मैं इसमें भी बहुत बिजी थी कि हमें जो है ना फिशेस थी और चिड़ियाँ थी उनका ख्याल रखना था और साथ में ये बिल्लियाँ, मेरी दो बिल्लियाँ हैं और उनसे जो है ना हमें इनको बचाना, तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। अच्छा, ओरियो ना बड़ी हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है। देखें आप लोग, पहले जब मैं इसको लाई थी ना तो ये बहुत छोटी सी कैट थी, किटन थी छोटी सी, और अब ये बहुत बड़ी कैट हो गई है। तो इसको जो है ना अब ज़रा संभालना मुश्किल होता है क्योंकि ये इसी तरीके से चीज़ों पे चढ़ना, चीज़ें ख़राब करना, और जो है ना अगर घर में जैसे कोई गेस्ट आए हुए हैं, उनके छोटे बेबीज़ हैं लाइक न्यू बॉर्न, तो हमें थोड़ा इस वजह से ना इसको घर से बाहर रखना पड़ता है। अब पहले तो ये रहती ही घर के अंदर थी हर वक्त, लेकिन अब इसको जो है थोड़ा सा हमें घर से बाहर रखना पड़ता है। तो जो है ना इसको मैं स्टेयर्स पे छोड़ देती हूँ, कभी छत पे छोड़ देती हूँ, बाहर छोड़ती हूँ तो यकीन करें कहीं नहीं जाती, वापस घूम घाम के वापस आ जाती है। आज शाम की चाय के लिए मैं ये लेकर आई थी, इट्स काइंड ऑफ सिनेमन रोल्स, सिनेमन रोल्स नहीं होते, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है कि चिकन का जो कीमा है ना, कीमा बना के ना उसको इस तरह से स्टफिंग करके और उसके ना इन्होंने ये रोल्स बनाए, सिनेमन टाइप जो रोल्स बनाए, और यकीन करें बहुत मज़े के थे, मुझे बहुत मज़े के लगे। कुछ चिकन के पीसेस भी आ रहे हैं, मतलब चिकन फुल कीमा भी नहीं है, और मतलब या तो इन्होंने कुक करके उसको अच्छे से स्पून से ना समझें कि जैसे हम कबाबों के लिए करते हैं, मुझे लग रहा है इन्होंने इस तरह से कुछ किया है। तो यानी कि मज़ेदार सा चाइनीज़ सा फ्लेवर था और ऊपर चीज़ लगा के बेक कर दिया, तो अच्छा था, नाइस था, मज़ेदार फ्लेवर था। और यही शाम की चाय के लिए जो है मैं दे रही हूँ सबको। उसके बाद ये मैं आप लोगों को लाइट दिखा रही हूँ कि मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया, और मैं इस वक्त तक भी यही समझ रही थी कि ये जो है ना ये चार्ज होने के बाद जो है ना ये चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये जो है ना कनेक्ट करके चलने वाली चीज़ है। और ये देखें, ये मेरी लाइट, वाला बड़ी खुशी हो रही है देख देख के, लेकिन इसको मैंने अभी तक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बस व्लॉग्स बना बना के रिकॉर्ड करके ना थोड़े से मैंने रख लिए थे और अभी तक मैंने कुछ वॉइस ओवर नहीं किया, अपलोड नहीं किए। तो बस जनाब ये था जो है आपको जो रिंग लाइट दिखानी थी ये है, और ये चार्जेबल बिल्कुल भी नहीं है और मुझे बड़ा दुख हुआ। इसको चार्जेबल होना चाहिए वैसे ना, अगर कोई ऐसा बंदा जो रिंग लाइट बनाता है ना तो इस बारे में सोचे ज़रूर कि चार्जेबल होनी चाहिए, क्योंकि आप हर जगह तार फैला फैला के, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं जिनके बच्चे हैं वो तार फैला फैला के तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मेरे ख्याल है इसको इस तरह होना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे अटैचमेंट हो के वो चार्ज हो जाए ना, और फिर आप उसको जो है यूज़ कर सको। खैर देखते हैं अब इसको जो है ना किस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है ना कैमरा भी है, लेकिन मैं डर के मारे उसको स्टैंड पे लगाती नहीं हूँ, मुझे लगता है कि यार वो गिर जाएगा, मैं गिरा दूँगी, मैं नहीं गिराऊँगी तो मेरे बच्चे गिरा देंगे पीछे से आते आते। खैर जनाब, अब हो गया है हमारा डिनर का टाइम। डिनर में बनाया था मैंने पास्ता, बोल शेप का पास्ता लेकर आई थी इस बार और ये मैंने बनाया था। और मुझे जो है ना डिनर्स में पास्ता बनाना बड़ा इजी लगता है, और चीज़ ये होती है ना कि बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, बच्चे शौक से खाते हैं ना तो फिर आपको लगता है कि यार जो चीज़ बच्चों ने शौक से खानी है ना वो बहुत ईजी पीजी लगती है। और यकीन करें मेरे बच्चे जो है ना, मतलब बीफ जो है ना उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं आता, मटन तो खैर वो मुँह में रखते ही नहीं है। तो बड़ा टास्क होता है बच्चों को खाना खिलाना, कि उनको पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है कि नहीं भाई खाओ खाओ खाओ। तो खैर जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया। पसंद आता लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। और बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए, और अगर आपको पसंद आता है तो नोटिफिकेशन बेल की ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी व्लॉग्स का कि वो कब आ रहे हैं और कब नहीं आ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।